हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट कैसे जल्दी लगाएं हम ये सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, सिटिंग अभी आपके सामने ये सवाल है, इसको पॉज करिए और आप लगा के देखिए और फिर डिफरेंस देखिएगा कि कहाँ पे आपने गलती की या कहाँ पे आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बस इतना सीखेंगे कैसे हम इसे जल्दी लगा सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिए। जो पॉइंट्स आप जिस सवाल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा और आपको इसमें से यहाँ तक तो खैर वही लिखा हुआ है कि कितनी लाइन में कौन कौन क्या बैठा है। मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जरूरी तो नहीं है आपको फिक्स मिल जाए बार बार। या तो मानने से बेहतर है कि ये कंडीशन हो सकती है या ये। पहले सारे पॉइंट्स को आप एक तरफ छोटी सी अपनी कोई तरीका बना लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे क्या राइट में क्या रखना है, लेफ्ट में क्या रखना है, वो रख दो। और उसके बाद जहां से फिक्स पॉइंट मिल जाए वहां से सवाल को स्टार्ट कर दो और वो जो पॉइंट्स हो ना आपस में अलाइन कर दो। ये होता है इसका सही तरीका। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, बाकी पॉज करके आप लगा के देखिए पहले। और अब देखिए आपको क्या बोला गया, 8 पर्सन है, बहुत जल्दी रीडिंग की आदत डालिए। 8 लोग हैं, 4 ऑफ देम फेसिंग साउथ और 4 नॉर्थ में है, और 9 3 कॉन्सिक्यूटिव पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, कोई भी 3 लगातार एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं किए हैं। ठीक है, A is not an immediate neighbor of D. अच्छा, एक बात बताइए, A D का पड़ोसी नहीं है, क्या इससे आपको कोई पॉइंट मिला? आप 8 लोगों में कोई लगा सकते हो? जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 2 लाइंस की जरूरत तो पड़ेगी अगर हम किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट को लगाते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया था, कटिंग करने से बेहतर है 2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब आप इससे बता सकते हो कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है? नहीं बता सकते ना, तो बस मैं इसको एक लिख लेती हूँ। मैं कैसे करती हूँ, दोनों बराबर में नहीं है, कट लगा दिया, ये मेरे लिखने का तरीका है। दूसरा पॉइंट है, ई एन इमीडिएट नेवर ऑफ बी, तो जो है ई एक बी का इमीडिएट नेवर है, ठीक है ना, और उसका फेस जो है ई इज फेसिंग नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ है, तो मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ। अभी भी इससे नहीं बता सकते कौन कहाँ बैठा होगा, बस इस पॉइंट को लिख लिया। अब क्या बोला गया है, एच इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ बी, तो बी के 4th राइट में, मैं क्या करती हूँ इसको लिख लिया, राइट में ना मेरा राइट हैंड इधर है, एच 4th में बैठा है ना, इसके ऊपर 4th लिख दिया और राइट की तरफ एरो लगा दिया कि राइट है एच। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है आपको, बोथ द इमीडिएट नेवर ऑफ डी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, डी के जो दोनों नेवर्स हैं, है ना, तो डी के जो भी नेवर्स होंगे, मान लीजिए बराबर में यहाँ जो भी बैठे होंगे उनका अपोजिट डायरेक्शन में फेस होगा। मैं इसे अपोजिट कर देती हूँ, देखिए सेम डायरेक्शन के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ और अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट फेस के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, स्माइली सी ये तरीका है मेरा। ठीक है, तो डी के दोनों ही नेवर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एच इज सिटिंग 2nd टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के लेफ्ट में एच बैठा हुआ है, तो देखिए एच लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट की तरफ एरो कर दिया और 2nd बैठा है तो 2nd लिख दिया। ठीक है ना, लेफ्ट ऑफ सी एंड दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों का फेस सेम हो गया। उसके बाद बोथ एच एंड बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एच और बी का भी सेम डायरेक्शन है, इन दोनों का भी सेम हो गया। और आपको क्या बोला गया, बोथ द इमीडिएट नेवर्स ऑफ बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, बी के जो पड़ोसी हैं उनका, यहाँ पे लिख देती हूँ जगह थोड़ी कम है उधर, ठीक है ना, बी के जो दोनों है वो उनका फेस भी किसमें है, जो भी उनका बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अब इसके बाद क्या बोला गया है, डी सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में 4th डी है, और लास्ट पॉइंट है ई सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो। यहाँ से हमें सवाल मिल चुका है, बस अब लगा देते हैं जो जो पॉइंट है उन्हें अलाइन कर देते हैं। देखिए राइट एंड पे कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो राइट एंड तो यही वाला है, राइट एंड ये वाला है, ई हो गया। ठीक है ना, अब जब ये राइट एंड हो गया तो आप एक बात देखिए, ई हो गया और ई का फेस किस तरफ दे रखा था, ई का फेस नॉर्थ की तरफ दे रखा था, नॉर्थ की तरफ हो गया। ई के बराबर में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, बी दो हम अरेंजमेंट इसलिए मानते हुए चल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए मैं लगाती गई और कहीं आके एक जो है वो गलत हो गया तो हम उस टाइम घबरा जाएंगे कि हमारा टाइम भी चला गया, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, एक गलत हो जाएगा एक अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया, बी के दोनों पड़ोसियों का जो फेस था वो सेम डायरेक्शन में था, तो देखिए बी का एक पड़ोसी ई है, एक यहाँ जो भी आएगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो यहीं पे होगा, यानी कि वो ऐसे बैठा होगा नॉर्थ की तरफ फेस करके। ठीक है, अब बी से 4th को आपको क्या बोला गया है, अच्छा बी का तो कुछ बताया नहीं गया लेकिन आपको क्या बोला गया, बी के 4th एच है राइट को, अच्छा बी अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 4 एच यहाँ आएगा फिक्स है, और ये राइट कब होगा, जब किसी व्यक्ति जब किसी इंसान का जो फेस होगा वो साउथ की तरफ होगा, जब साउथ की तरफ होगा तो 1 2 3 4 एच यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला गया था, अब यहाँ पे देखिए एक चीज थी, आपको बोला गया था जो एच है, एच और सी का फेस सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और एच जो है वो सी के लेफ्ट में है, तो दो बातें हो सकती है, देखिए सी यहाँ भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो अब लेकिन ये लेफ्ट कब होगा, जब सी का फेस अंदर की तरफ होगा, सॉरी सी का फेस बाहर की तरफ होगा, तभी तो ये इधर लेफ्ट होगा। और अगर इधर मान लीजिए एक बार सी यहाँ बैठा हुआ है, ये लेफ्ट कब होगा, जब हमारा हम ऐसे तो फेस करके बैठे हैं, ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद आपको क्या बोला गया है, तो सी हो गया, एच हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या बोला गया, सी और एच का फेस सेम है, तो एच भी बाहर की तरफ ही फेस करके होगा, ठीक है भाई। एच का भी बाहर हो गया और एच का भी इसमें बाहर की तरफ फेस हो गया। अच्छा आपको बोला गया था और डी के दोनों पड़ोसियों, अभी छोड़ो ए और डी पड़ोसी नहीं है, इसको भी छोड़िए। एफ से फोर्थ डी है, आप देखिए एफ से अगर फोर्थ डी है तो आप देखिए इस वाले के हिसाब से फोर्थ यहाँ पे अगर एफ को रखेंगे तो एक दो तीन चार, और इसको यहाँ रखेंगे तो एक दो तीन चार, यही एक दूसरे से फोर्थ स्थान रह गए ना। अब फोर्थ में आपको बोला गया है फोर्थ एफ से फोर्थ पे, अगर देखिए एफ में यहाँ रख दूंगी तो डी इसके लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठने वाले का फेस फिक्स है, तो इतना कंफर्म हो गया। अगर इस अरेंजमेंट के हिसाब से एफ यही आएगा, एक दो तीन चार, डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अब आपको क्या बोला गया था, और एफ का राइट कब होगा, जब एफ का फेस जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, और वैसे भी तीन कॉन्जिक्यूटिव सेम फेस नहीं थे तो इसका अंदर ही होगा, ठीक है, यानी नॉर्थ की तरफ। सी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया। अब एक तरफ से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूंगी तो फोर्थ यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे अगर मैं सी वो एफ रखूंगी, एक दो तीन चार नहीं बचेगा, यहाँ रखूंगी तो एक दो तीन चार, यहाँ भी सेम वही आएगा, एफ यहीं पे आ जाएगा, एक दो तीन चार डी, ठीक है ना। और एफ कहाँ पे हो जाएगा, इधर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रखते हैं तो सेम प्रॉब्लम उसमें भी होती। चलिए अब अगला क्या बोला गया, डी के बराबर में ए नहीं है, देखिए बी ई डी लग चुका है, सी एफ एच लग चुका है, ए बराबर में नहीं है तो ए यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट कौन बचा हुआ है आपका, ए बी सी डी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, अब आपका बस जी बच रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा हौच पौच हुआ है, तो मैं अब इसको छोटा करके यहाँ पे आपको एक बिल्कुल क्लियरली इमेज बना देती हूँ, यहाँ ये ऊपर जाने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन लग गया, सबसे पहले लगा है हमारा, बिल्कुल सही लग गया है, सबसे पहले सी है, फिर इसको डार्क कर देती हूँ, सबसे पहले सी है, फिर एफ है, फिर एच है, फिर ए है, फिर जी है, फिर डी है, फिर बी है और ई है, सारे पॉइंट्स लग चुके हैं, कोई पॉइंट गलत नहीं हुआ, नीचे वाले की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए के बराबर में डी नहीं है, या कहीं ना कहीं आके जरूर गलत होगा, जब एक सही लग गया तो हमें दूसरे में दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। सी नीचे की तरफ फेस करके एफ ऊपर आ गया, एच नीचे की तरफ फेस करके आ गया, डी ऊपर की तरफ आ गया है, बी नीचे की तरफ आ गया, ई ऊपर की तरफ आ गया है, और आपको क्या बोला गया था कि डी के दोनों जो एच और सी का फेस सेम है, अब कोई ना कोई पॉइंट, हाँ डी के दोनों फेसेस अपोजिट हैं, तो डी के इधर बाहर है तो ये क्या होगा, अंदर होगा, चार लोग अंदर चार लोग बाहर, तो देखिए एक अंदर ये हो गया, एक नॉर्थ ही हो गया, एक नॉर्थ ही हो गया, नॉर्थ ही हो गया, ये बचा हुआ बाहर की तरफ हो गया। अब इससे कोई भी सवाल होगा वो लग जाएगा। तो आपने देखा हम कहीं भी अटके नहीं, हमने क्या किया, पहले पॉइंट्स को लिख लिया, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि मैंने वहीं की वहीं लिख दिया है, तो लेकिन मेरा जो पॉइंट बताने का मैटर था वो यही था। अब इसके सवाल जो भी होंगे, देखो क्वेश्चंस तो लग ही जाएंगे, वो अभी मैं नहीं लगवा रही हूँ, मेरा इस वीडियो में जो मोटिव था वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर वाला या कोई भी हो, आपको जो पॉइंट्स ना मिले पहले उन्हें लिखते जाइए, अपने छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लीजिए, इससे आपको पता है क्या फायदा हुआ, अब आपको सवाल में दोबारा से नहीं, मान लीजिए यहाँ से अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा, ये भी मान लो, ये भी मान लो, फिर जाके पढ़ रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जाके पढ़ पढ़ने में पता है कितना टाइम वेस्ट होता है। आपने क्या किया, जो जो पॉइंट्स फिक्स नहीं थे उनको लिख लिया, जो पॉइंट्स फिक्स थे उनको लगा दिया, अब हमें इससे मतलब ही नहीं है, अब हमें इस वाले पॉइंट से मतलब ही नहीं है, ये हमें काट देना है भाई, हम तो सब लिख चुके हैं ना यहाँ पे, जब सब लिख चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब बस हमें इतने पॉइंट देखते हैं जो हम बहुत शॉर्ट में लिख चुके हैं। अब इसके लिए हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ ई बी के बराबर है, अगर आप मुझसे कहोगे मैं एक बार में पूरा सवाल रीड करके दिखा दूंगी इन छोटे पॉइंट से, इनको थोड़ा सा फॉलो करिए, आप देखिए आपके एक बड़ा चेंज आएगा इसको लगाते टाइम में, ठीक है ना। आपने देखा दो हम मानते हुए चले थे, ऊपर वाले फिक्स लग गया, इसे गलत कर देंगे, तो बस ये आप इस तरीके से हमें इसे करना है, और आप इसी तरीके से आगे क्वेश्चन उन्हें करिए, अभी 20 दिन है एग्जाम में, आप एक बड़ा चेंज ले आएंगे, पजल में भी इसी तरीके से पॉइंट्स लिखना सीख लीजिए, और सिटिंग अरेंजमेंट में भी, बाकी टाइप वाइज मैं बताती जाऊंगी पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना ईजी होता है। मिलते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक वीडियोज में मैं आपको कोई ना कोई ट्रिक अप्रोच ऐसी दूंगी जो आपकी स्पीड को जस्ट बढ़ाती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।